महंगा सूट है भाई ये मेरा सबसे महंगा। आई होप कि सब अच्छी होगी, मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो चलो शुरू करते हैं आज के दिन के साथ एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो आज भी झमाझम बारिश ही लगी है, आज तो और ज़्यादा लगी है, सुबह से कंटिन्यू चल रही है बिल्कुल, मतलब रोज़ का यही हाल है। और कल रात तो हमारे नीचे जो नदी है उसका पानी भी इतनी ऊपर आ गया था ना, बहुत ऊपर आ गया था, पर मैं वीडियो नहीं बनाई, रात को दिखता ही क्या नदी ना, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। सुबह तो कम हो गई थी मतलब नदी। तो आप लोगों में से बहुत लोगों की कमेंट आ रही थी कि सूट कलेक्शन वीडियो बनाओ और साड़ी कलेक्शन वीडियो बनाओ। तो सूट कलेक्शन की वीडियो तो मैं पहले बना चुकी हूँ, जितनी सूट थी पहले मेरे पास वो सूट के मैं सारी आप लोगों को मतलब कलेक्शन दिखा चुकी हूँ। तो उसके बाद जो मैंने सूटें ली हैं और मेरे को गिफ्ट में मिली हैं जो सूटें, मैं उनको दिखाने वाली हूँ। और एक सूट की तो बहुत डिमांड है, मतलब वो सूट तो सबको इतनी पसंद आ रही है ना, बहुत ज़्यादा मतलब सबको पसंद आती है वो, तो सब लोग उसका प्राइस भी पूछते हैं, और कोई सोचता है ऑनलाइन ली है और कोई सोचता है कि ऑफलाइन जहाँ से भी लिया वो बता दो शॉप करके। तो मैं सब कुछ बताऊंगी आप लोगों को। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी सूटों से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वही सूट दिखाती हूँ आपको, ठीक है। तो इसमें रखी है वो, मेरी आदत है मैं पॉलीथीन में ही रखती हूँ अपने कपड़े, और वैसे नहीं रखती हूँ अलमारी में, जितनी पॉलीथीन मेरे को मिलती है मैं सब सूटों के लिए इकट्ठा करती हूँ। तो ये है वो सूट, सब लोगों ने देखी है ये मेरी सूट। तो ये है इसका दुपट्टा, मैं दिखाती हूँ अच्छे से, ये रहा इसका दुपट्टा ये, और साइड में फ़ोटो भी लगा दूँगी मैं सारी सूटों के, ठीक है। ये है इसका दुपट्टा, ये रहा इसका दुपट्टा, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये सूट ये, और ये है सूट, ये रही सूट, ये देखो दिख रही होगी, तो ये है सूट। और इसका बनाया है मैंने अफगानी पैजामा, पैजामा बहुत पसंद आता है सब लोगों को इसका, ये रहा ये कम घेर वाला होता है ये पैजामा, मेरे को ये सूट मतलब मेरा फेवरेट है, बहुत अच्छा लगता है मुझे बहुत ज़्यादा। और ये सूट लिया था मैंने खट्टी माँ से लिया था मैंने, जो पोस्ट ऑफिस वाली रोड है ना खड़ंजे में, वहाँ किनारे पे सूटों की दुकानें लगी रहती हैं, तो उन भैया का नाम तो नहीं पता मुझे, हम उन्हीं की दुकान से लेके जाते हैं, मेरी वीडियो में देखा भी होगा आप लोगों ने, तो हम उनकी दुकान से लेके आते हैं ये सूट। और ये सूट ली थी मैंने 700 की है ये मेरी सूट, और इतनी प्यारी लगती है ना, मतलब मेरे को ये देखते ही पसंद आ गई थी, तो 700 की है ये सूट, ठीक है। और फिर उसके बाद आती है, उसके बाद ये वाली सूट, ये मैंने ब्लॉग में पहनी तो है, आप लोगों ने देखी होगी ये सूट, अभी मैं इसको वो नहीं कर रही हूँ ऐसे ही देखो, क्योंकि मैंने प्रेस करके रखी है ये वाली, मैं तो मैं प्रेस नहीं करती हूँ, सिफॉन का कपड़ा है ना वो तो ठीक रहता है, ये कॉटन का है तो मैं अभी इसको नहीं खोल रही हूँ। ये रही ये सूट पूरी ऐसी है, वैसे आप लोगों ने ब्लॉग में देख लिया होगा, पहले मैंने जो अन्नप्राशन वाला ब्लॉग था उसमें देखा, ठीक है। ये रही सूट नई वाली ये, और ये है इसका दुपट्टा, और ये है इसका पैंट, इस टाइप का पैंट है, ये है पैंट इसका, ठीक है। और ये सूट ली थी मैंने 800 की शायद, हाँ ये सूट है 750 या 800 ऐसे की होगी ये सूट, ठीक है। और एक ये सूट है, ये मेरे को गिफ्ट में दी थी ये मेरी जिठानी मतलब दीदी की चाची ने, उनके घर में पहली बार गई थी ना, तो दीदी को भी दी थी एक सूट और एक मुझे भी दी थी, अभी मैंने सिलवाई नहीं है ये, अभी बहुत सारी सूटें हैं तो अभी इसको सिलवाना पसंद नहीं कर रही हूँ मैं, तो अब जब मेरे पास कुछ भी नहीं होगा तब मैं करूँगी। बहुत अच्छी है ये सूट भी, दुपट्टा इसका वर्क वाला है, अच्छी है ये सूट, कभी बनाऊंगी सूट को मैं, अभी तो कुछ सोचा नहीं है, तो बिल्कुल नई सूट है ये देखो ये, अभी इसका वो भी नहीं निकाला है मैंने, कुछ नहीं निकाला है मतलब कुछ भी नहीं, तो मैं बनाऊंगी सूट को पर अभी नहीं बनाऊंगी, अभी मेरे पास बहुत सारी सूटें हैं और कुछ ऑनलाइन भी मंगाई है मैंने, तो इसीलिए मैंने अभी कोई सूट वगैरह नहीं लिए हैं। और ये सूट भी देखी होगी आपने,
ये ठंडियों में बनाई थी मैंने, और ये है मेरा खाना भी बन गया है। और ये है गरम सूप मेरी, इसको भी मैं वैसे ही रख देती हूँ। ये इसका है पैंट, जो कल व्लॉग देखा होगा आपने उसमें पहनी थी मैंने ये सूट, अभी धोई नहीं है मैंने, पानी ही नहीं है बारिश के, उससे मोटर ही नहीं चल रही है, लाइट ही नहीं है तो मोटर कहाँ से चलती है, और लाइट आ भी रही है तो बहुत हल्की आ रही है, डिम आ रही है। और ये एक ये सूट है, ये कॉटन वाला है, ये जब मैं दिल्ली शादी में गई थी ना अपने ताऊ के लड़के की, तो वहाँ से मिली थी ये सूट, ये भी नहीं सिलवाई है मैंने अभी। ये देखो ये दुपट्टा है इसका, ये सूट है, और ये है पैजामा, ये भी नहीं सिलाई है अभी मैंने, ये दोनों सूट अभी सिलवानी बाकी है, तो अभी सिलवाई नहीं है मैंने ये, जब कभी मौका मिलेगा सिलाने का तो सिलाऊंगी। अभी बहुत सारे सूट हैं मेरे पास, आधी बड़ी हैं, पहनती हूँ पर इतना भी नहीं, और ये तो फट भी गया है, मतलब बाहर का कवर। ये सूट भी देखा होगा आपने, ये इस सूट के लिए भी बहुत लोगों ने पूछा था, इतना भारी सूट है ना, ये बहुत हैवी है यार, बहुत ज़्यादा हैवी है ये सूट। ये भी मैंने, और इन सूटों के प्राइस बताती हूँ, जो मैंने अभी इससे पहले वाला मैंने जो कल व्लॉग में पहना था वो भी मेरी सस्ती है सूट, वो भी 800 की है, और ये थी थोड़ा महंगी, ये 900 की सूट है, क्योंकि इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, ये तो दुपट्टा है इसका बहुत भारी है स्टॉल टाइप का। और ये रही सूट, इसमें मैंने इनके साथ होगी पिक तो वो लगा दूँगी मैं, ये वाली सूट, ये मैं जब हटी माँ गई थी ना तो ये आए थे जब, तब हम नानक मुक्ता गए थे तो वहाँ के लिए पहनी थी मैंने ये सूट। और इसका सलवार है, एक का पैंट बनवाया था मैंने, एक का सलवार ऐसे देते हैं, ये सलवार है इसकी, बहुत हैवी सलवार है, बहुत मोटा कपड़ा है ये भी बहुत अच्छी लगती है सूट। और अब दिखाती हूँ मैं दो नए सूट, ठीक है, ये वाला तो बात दिखाती हूँ, ये वाला दिखाती हूँ पहले। ये सूट लिया था मैंने, मेरा जिंदगी का, मेरी लाइफ का, और शादी के बाद का, शादी के पहले का सबसे महंगा सूट है भाई ये मेरा, सबसे महंगा ये मैंने लिया था खटीमा कश्मीरी से। और मैं सारे सूट, जितने भी मेरे सूट दिखते हैं ना आपको, जितने भी मैं पहनती हूँ वो हिमांशु बंद कर दो गैस, तो मैं जितनी भी सूटें लेती हूँ सारी खटीमा से लेती हूँ। मैंने अभी तक एक भी सूट यहाँ चंपावत का नहीं पहना है, एक भी सूट नहीं, जो मेरे को दिए होंगे गिफ्टेड होंगे वही पहने होंगे, नहीं तो मैं सारे खटीमा से ही लेती हूँ। ये मैंने कश्मीरी से लिया था ये सूट, कितने का बताऊँ, 2400 का सूट है ये, मतलब रेडीमेड है, और लेकिन बहुत अच्छा है, शाइन करता है। मैं इसमें सो भी गई हूँ एक दिन, जब मैं वहाँ दिल्ली गए थे ना तो मेहंदी में पहना था ये, तो वहाँ कपड़े नहीं लेके गए थे हम ज़्यादा, तो इसी को पहन के सो गई थी मैं, तब भी इसको कुछ नहीं हुआ है, इतना अच्छा कपड़ा है ना ये, बहुत अच्छा। और ये इसका दुपट्टा है, ये रहा इसका दुपट्टा। और इस सूट को अब ना, मतलब जब भी मैं पहनती हूँ मेरे को इतना वो होता है ना, मतलब इतना महंगा सूट क्यों लिया होगा मैंने करके, पर अच्छा है, जो चीज़ महंगी होती है मतलब वो अच्छा टिकती है, बहुत अच्छी है। और ये लिए मैंने ऑनलाइन सूट, ये मेरे को सेल में सही पड़ गई थी, सेल लगी थी, AJIO ऐप है जो, उससे मैं उसमें तो उससे मैंने ली थी ये सूट 900 की, उस टाइम सेल लगी थी। वैसे इस सूट का प्राइस है, किसी में 1500 है, किसी में 1900, किसी में 2500, ऐसा है इस सूट का प्राइस। ये रहा इसका दुपट्टा, मेरे को ये सूट इतनी पसंद आई है ना, इतनी पसंद मैं बता नहीं सकती, मैंने एक बार भी नहीं पहनी है अभी ये सूट, ये वाली सूट तो एक बार पहन ली है पर ये वाली एक बार भी नहीं पहनी है। मेरे को इसको पहनने का बहुत 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 ज़्यादा मन है, पर मैं सोच रही थी, मैंने इसलिए मंगाई थी ना, मेरे पतिदेव आने वाले थे तो मैंने तब ये सूट मंगाई थी कि हम कहीं मंदिर जाएंगे तो तब पहनेंगे करके, पर अभी वो छुट्टी नहीं आ पाए तो मैं इसको जब वो आएंगे तभी पहनूंगी सोच रही हूँ, पर वैसा होगा नहीं, मेरे से रुका नहीं जाएगा तब तक,
और ये इसका पैजामा है ऑनलाइन मैंने फिट करवा ली है ये, और अब देखो क्या होता है। मतलब इसका मतलब मेरे को इतनी पसंद आई है ना ये सूट, फर्स्ट ऐसा मतलब ऑनलाइन मेरी शॉपिंग ये ऐसी है जो मेरे मतलब मन आई है, बहुत अच्छा। मतलब कपड़ा भी इतना अच्छा है इसका मैं बता नहीं सकती हूँ। ये रही वो सूट, आप लोगों ने भी देख ली होगी ये सूट तो, वैसे बहुत दिख रही है ये बहुत ज़्यादा। और एक सूट और मंगाई है, मैंने नहीं मंगाई है वो मेरे हस्बैंड ने मंगाई है ऑनलाइन, बर्थडे गिफ्ट मेरा। अब मेरा बर्थडे आने वाला है ना, आप लोगों को भी बता देती हूँ तो कब है मेरा बर्थडे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो आप लोग को मैं ऐसे नहीं बताऊँगी, जब भी मेरा बर्थडे होगा आप लोगों को पता चल जाएगा। और बस इतनी सूट हैं अभी जो पहले की हैं, वो दिखाऊंगी तो फिर इतनी सारी सूटें हो जाएंगी, तो अभी इतनी ही हैं ये देखो। और जो मैंने ये पहनी है ना ये सूट मेरे शादी से पहले की सूट है। एक ये थी, एक ऑरेंज कलर की थी, इसी टाइप की ये वाली कढ़ाई थी, डिज़ाइन मतलब ये थी। और दो सूट सिलवाई थी मैंने, पैजामा एक ही सिलवाया था, और ये इसका दुपट्टा एक नेट वाला दुपट्टा था। तो ये शादी से पहले मतलब कि इस सूट को हो गए होंगे 4-5 साल तो हो ही गए होंगे, शादी से पहले ही 2 साल पहले की थी, तो अब मेरी शादी को भी 1.5 साल हो गया है, तो 4 या 5 साल पहले की सूट है ये मेरी। और तो अब मेरे को बहुत टाइट हो रही है, अनकंफर्टेबल हो रहा है, मैंने तो वीडियो बना रही हूँ तो इसलिए पहना था, अब टाइट हो रही है मुझे ये। तो यही था मेरा सूट कलेक्शन, ठीक है। अब मैं इनको पैक करके रख देती हूँ, पैक करने में भी बहुत आफत आती है। और साड़ी कलेक्शन की बात करते हैं तो आधी साड़ी अगर मैं इन दिखा दी थी तो कुछ साड़ियाँ और हैं, 5-6 साड़ियाँ और हैं नई, तो वो भी दिखाऊंगी मैं आपको। अगर वो देखना चाहते हो तो कमेंट करना प्लीज़, ठीक है। क्योंकि ऐसी बारिश के मौसम में रोज़ डेली रूटीन मेरे को भी बोरियत हो जा रही है, क्या व्लॉग बनाऊँ हो जा रही है, तो 2-3 दिन बहुत होते हैं डेली व्लॉग के। तो अब ये सूट कलेक्शन दिखाना भी बनता ही है ना, नई क्या चीज़ें हैं। आप लोग भी सोचते होंगे ना कि कुछ तो ये लेती होगी ऑनलाइन, तो मैंने बहुत मतलब मैं इतने कपड़े खरीदती हूँ ना महीने में, 2-3 तो मैं खरीदती ही हूँ। और अभी भी एक पार्सल आया था, वो अभी दिखाती हूँ, जब मैं कभी पहनूंगी ना तो उस टाइम पर दिखाऊँगी, ठीक है। तो इतने ही सारे हैं, तो बस बहुत है। तो कौन सी सूट आपको अच्छी लगी वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और प्राइस भी पूछ लेना, सब मिनिमम है, सबसे महंगी यही है और कोई नहीं है, और सब 700-800 की, 900 की, 900 से ऊपर कभी मैं सूट नहीं लेती, लेकिन पहली सूट है ये जो मेरे को मजबूरी में ख़रीदनी पड़ी थी, क्योंकि मैं अचानक गई थी यहाँ से, जब मैं 2 महीने के लिए गई थी तो दादा की शादी का निमंत्रण आ गया था वहाँ, फिर यहीं से कपड़े मंगाए थे मैंने। अभी भी लांचा वही है मेरे सारे, दो लांचा वही है अभी मेरे। तो इसी के साथ व्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर साड़ी कलेक्शन व्लॉग देखना चाहते हो तो कमेंट करके बताना, मैं शाम को ही व्लॉग बना लूँगी, क्योंकि फिर रोज़ व्लॉग बनाने का भी मन नहीं करता है, क्योंकि ऐसी बारिश हो रही है फिर आलस आता है, थोड़ा आराम भी चाहिए होता है खुद को। तो ठीक है, साड़ी कलेक्शन का वीडियो चाहिए तो बताना, मैं बना दूँगी, ठीक है। तो इसी के साथ नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और घर में ही रहना, ठीक है सब लोग, बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा।